तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो मैं जल्दबाजी में बना रहा हूँ, और आज इस वीडियो में जो है आपको जैसे कि पता है बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारे धर्मेंद्र सर को जो है 3 स्ट्राइक मिल चुकी है। 3 स्ट्राइक यानी मतलब ये है कि सीधा सीधा 7 दिन के अंदर आपको अगर आप 1 स्ट्राइक अपने चैनल से हटवा देते तो आपका चैनल टर्मिनेट होने से बच जाएगा, वरना 7 दिन के अंदर अंदर उनका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बात तो यार आप लोगों को पता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंसान जो कि इस स्ट्राइक को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आदमी, वो यूट्यूबर जिसने जो है धर्मेंद्र सर को ये स्ट्राइक दी है, उसके बारे में। उसने जो है अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट की है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और उसकी फोटो जो है वो आप इस वक्त जो है चैनल के इस वीडियो के ऊपर देख रहे हैं। और यार मैं वीडियो को जो है उस आदमी, उस यूट्यूबर की वीडियो को जो है मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि स्ट्राइक वो मुझे भी दे देगा, क्योंकि अब पता नहीं यार इतने बड़े यूट्यूबर, इतने हेल्पिंग नेचर वाले यूट्यूबर को उसने 3 स्ट्राइक रातों रात दे दिए। सुबह उठ के उनकी यार हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो उसके वीडियो को यूज़ भी नहीं कर सकता। तो यार देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने उसकी वीडियो की लिंक दी हुई, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं, वो जो इंसान है उसके बारे में जान सकते हैं, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं यार। उसने जो है ईमेल आईडी भी दी है, उस पर जाकर आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं यार, जितने लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं उससे भी पहुंचाइए, और उस वीडियो को तो ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि यार जितना वो पहुंचेगा तो धर्मेंद्र सर की मदद हो जाए। और उसने जो है उस वीडियो में कहा है कि दरअसल क्या हुआ था कि उन्होंने, धर्मेंद्र सर ने उसे बिना पूछे जो है कंटेंट को यूज़ किया था, तो वो उनसे बात करना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे कॉल, उन्हें कॉल लगाई धर्मेंद्र सर को, उसने कॉल लगाई और उसने ईमेल भी किया, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो उसने जो है कल उन्हें स्ट्राइक दे दी। खैर बाकी जो आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो भी उसने बताया, जो सफाई दी है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसने साफ साफ किया है कि मैंने ही उसे स्ट्राइक दिया, तो आप जाके उस वीडियो को चेक कीजिए, कमेंट कीजिए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जो है उसके स्ट्राइक हटा ले। और बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो पसंद आने वाली तो नहीं थी यार, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको दी थी। आई होप वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इस तरीके का तो नहीं लेकिन टेक वीडियोज़ में आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, सलामत रहिए, खुश रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।